हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपकी फ़ोटोज़ को किस करते हैं? आप लोग अगर दूर हैं या पास में कम्युनिकेशन में है या नो कम्युनिकेशन में है, फिर भी क्या आपके पर्सन आपको आपकी फ़ोटोज़ को किस करते हैं वो हम देखेंगे। क्योंकि हम अगर अगर आप किसी पर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इंसान आपसे बहुत दूर चला जाए या फिर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस हो आपका रिलेशनशिप, तो उस इंसान को गले लगाने का मन करता है ना, गले लगाने का मन करता है और तब हम नहीं कर पाते तो फ़ोटो में हम फोटो देखकर उस पर्सन को याद करते हैं और उसे किस भी करते हैं। तो यही हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन ऐसा करते हैं। तो हमारे पास ये दो ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है द हाउस, किंग ऑफ हार्ट, और सेकंड है द राइडर, नाइन ऑफ हार्ट। तो हमारे पास ग्रुप वन ये है और ग्रुप टू ये है, 4 और 1। तो आप इससे भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको इमेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इंट्यूशन से सिलेक्ट करिए, आंखें बंद करिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और इन दोनों में से जो भी आपको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देखिए। तो मैं आपके रीडिंग में मिलती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप वन चूज़ किया है, द हाउस नंबर 4। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं और जब मिस करते हैं क्या वो आपकी फ़ोटोज़ को किस करते हैं। चूज़ किया है, प्लीज़ प्रोवाइड गाइडेड मैसेजेस फॉर दिस रीडिंग फॉर दोज हु हैव चोजन ग्रुप 1 द हाउस। क्या उनके पर्सन उनको मिस करते हैं और क्या उनकी फोटोज़, जब मिस करते हैं तो क्या फोटोज़ को लेके इमोशनल हो जाते हैं और किस करते हैं। किंग ऑफ हार्ट, यहाँ पर है किंग ऑफ हार्ट, 4 ऑफ डायमंड, किंग ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ स्पेड, 3 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीस, लियो, सेजिटेरियस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मीन सारे ही साइंस हैं। तो क्या आपके पर्सन आपकी फ़ोटोज़ को देखे किस करते हैं, पहले हम देखेंगे कि क्या यहाँ सीन है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है पास्ट में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ऐसे था कि स्टेबल जैसे फीलिंग्स थे आपके और आपके पर्सन के आपके लिए, ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों ने एक साथ जो टाइम बिताया है, हो सकता है आप लोग घूमने गए हो और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में हैं और ये इनका जो है ग्रो होते रहता है, इनके ये वाले जो थॉट्स हैं आपके लिए वो ग्रो होते रहते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार था और रिलेशनशिप भी आप लोग का अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। पर अचानक ऐसा लग रहा है किसी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई और यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे ऐसा लग रही है वीक होना शुरू हो गई। तो अब ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि आपसे दोस्ती रहे। हो सकता है कि इस पर्सन ने वर्क की वजह से आपसे दूरियां बना ली या फिर अपने फैमिली की वजह से बना ली, क्योंकि यहाँ आपने हाउस भी चूज़ किया है। तो हो सकता है इस पर्सन ने अपने घर की वजह से, अपने फैमिली की वजह से आपसे दूरियां बना ली, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, फिर आप मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी सिचुएशन में उनको स्टेबिलिटी नहीं लग रही है। तो वो अभी भी आपसे वो ऐसा ही जो है फील करते हैं, उनके दिल में आपके लिए अभी भी किंग ऑफ जो वैंड्स की एनर्जी है अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, पर सिचुएशन जो है अभी कंट्रोल में नहीं है, अभी इनस्टेबिलिटी यहाँ मुझे दिख रही है। या हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो
क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको डोमिनेट करते हैं और इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है। तो हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई यहाँ करते हैं। व्हाट इज किंग ऑफ स्पेड रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज किंग ऑफ स्पेड रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज किंग ऑफ स्पेड। दोबारा आ गया हाउस, और देखते हैं व्हाट इज किंग ऑफ क्लब्स रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज किंग ऑफ क्लब्स हाउस, किंग ऑफ क्लब्स रिप्रेजेंटिंग हियर। ये है ओल्ड वुमेन, व्हाट इज फोर ऑफ डायमंड रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज फोर ऑफ डायमंड रिप्रेजेंटिंग हियर। यहाँ पर है यंग वुमेन, व्हाट इज किंग ऑफ हार्ट, व्हाट इज किंग ऑफ हार्ट रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज किंग ऑफ हार्ट रिप्रेजेंटिंग हियर। वेटिंग, और साथ में यहाँ पर थ्री ऑफ क्लब्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज थ्री ऑफ क्लब्स रिप्रेजेंटिंग हियर, फ्रिवॉलिटी। ठीक है, तो ये कार्ड्स आए हैं। तो हमें किंग ऑफ हार्ट को कवर करता हुआ आया है वेटिंग, फोर ऑफ डायमंड को आया है यंग वुमेन, और किंग ऑफ क्लब्स को आया है ओल्ड वुमेन, और किंग ऑफ स्पेड को आया है हाउस, और थ्री ऑफ क्लब्स को कवर करता हुआ आया है फ्रिवॉलिटी। तो यहाँ पर है वेटिंग, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत उनके लिए आप वो चाहते हैं रिलेशनशिप में कुछ सुधार हो, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है ये वाला जो कार्ड बटरफ्लाई कार्ड। तो बटरफ्लाई कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है, और आप में एक अट्रैक्शन है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचता है। क्योंकि देखिए यहाँ फोर ऑफ डायमंड इसको कवर कर रहा है यंग वुमेन, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन, और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके साथ जो मोमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें याद करते हैं आपके पर्सन। और पर हो सकता है इनके लाइफ में या तो कोई वर्क से रिलेटेड ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ कि ये अभी भी अपने आप को पैसा स्टेबल नहीं सोचते हैं, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है कुछ ऐसे हो सकता है प्रॉब्लम आई है। और हाउस जो कार्ड है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है इनके घर में कोई ऐसा मेंबर हो, हो सकता है कोई ओल्ड वुमेन हो, या फिर कोई इनके घर के बड़े हो जो कि नहीं चाहते आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में, मान नहीं रहे हो, ऐसा टाइप का सिचुएशन है। पर आपके पर्सन आपको जो है प्यार ज़रूर करते हैं। किंग ऑफ हार्ट्स यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, किंग ऑफ क्लब्स है, किंग ऑफ स्पेड है। तो किंग ऑफ स्पेड हो सकता है इनके लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी सिचुएशन में कुछ हैंग से लग रहे हैं। और देखते हैं और क्या जिन्होंने द हाउस चूज किया है उनके पर्सन या उनकी फोटो देख कर किस करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ एस ऑफ कप्स, सेकंड है टावर, थर्ड है पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो पहले हम इन कार्ड्स को देखेंगे, उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स निकालेंगे। तो एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपका बहुत इंतज़ार भी करते हैं ये पर्सन, और आप लोग के बीच में कुछ ऐसा सडनली हुआ है। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फोटोज़ देखते हैं तो वो रोते भी हैं आपके फ़ोटोज़ को देख के, और साथ में जो हमारा क्वेश्चन है उसका भी आंसर मुझे यहाँ यस दिख रहा है। अभी आप लोग के बीच में ऐसा सिचुएशन है जहाँ की बहुत ज़्यादा टावर वाली सिचुएशन है, मीन सडनली ऐसा कुछ शॉक हुआ है, हो सकता है फैमिली से या फिर फैमिली के थ्रू कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है। इनके फैमिली नहीं मान रही है, आपकी फैमिली नहीं मान रही, ऐसे टाइप के यहाँ सिचुएशन है। साथ में पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स है ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं।
यहाँ भी देखिए डेविल एस ऑफ कप्स कवर करता हुआ, एट ऑफ वैंड्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो एस ऑफ कप्स प्लस डेविल, तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और वो आपके साथ एक फिजिकली भी अट्रैक्शन फील करते हैं, साथ में इमोशनली भी। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है जो कि वो कभी भी इस बॉन्डेज से, इस बॉन्ड से छुड़ा नहीं सकते अपने आप को। तो ऐसे टाइप के आपके पर्सन के फीलिंग्स हैं। तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं आपको लेकर, और ओवर थिंकिंग करते करते जो है कि पर्सन रोते भी होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि रोते भी हैं ये पर्सन, और इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। हो सकता है आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन अचानक से बंद हो गया हो, या फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से या इस पर्सन ने आपको कुछ कहा हो या आपने इनको कुछ कहा हो जिसकी वजह से अचानक से कम्युनिकेशन बंद हो गया हो, पर ये पर्सन अभी भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेशन किया जाए, या क्योंकि इनका जो प्यार है वो आपके लिए हमेशा ग्रो ही करते रहता है। यहाँ पर भी हमें थ्री ऑफ क्लब्स आया है, तो इनका इनके जो दिल में प्यार है वो आपके लिए हमेशा ग्रो करते रहता है और आपके तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ दिख रहा है। प्यार भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, और ये ऐसा इनके हार्ट में फीलिंग्स है जो कभी चेंज नहीं होते हैं। किंग ऑफ हार्ट, फोर ऑफ डायमंड, थ्री ऑफ क्लब्स यही रिप्रेजेंट करता है कि इनका जो प्यार है वो आपके लिए ग्रो होते रहता है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे ये वर्क का भी सिचुएशन हो सकता है कि वर्क की वजह से ये पर्सन ने ऐसा अभी आपके साथ दूर है, ऐसा भी यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में हम जो है आपके लिए आर्क एंजल माइकल का देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है जिन्होंने ग्रुप वन चूज किया है के लिए, आर्क एंजल माइकल का क्या मैसेज है। You and your loved one are safe or honor and trust your feelings. तो आपको आर्कएंजल माइकल क्या बोलना चाहते हैं कि you and your loved one are safe. हो सकता है आप दोनों के बीच में बिल्कुल अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो कि आपके पर्सन कैसे हैं, तो आप आर्कएंजल माइकल आपको बोलना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी सेफ हैं और आपके बारे में बहुत याद करते हैं। ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स, तो ये कार्ड बता रहा है कि ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स मीन्स आपके अंदर जो फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए वो सच है, क्योंकि आपके पर्सन जो फील करते हैं आपके लिए वही आपके पास टेलीपैथिकली वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो यहाँ मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। और देखते हैं हम कुछ कार्ड से कि जिन्होंने ग्रुप वन चूज़ किया है कि उनके पर्सन उनकी फ़ोटोज़ देखकर याद करते हैं और किस करते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, तो ये पर्सन अभी अपने आप को काफी हील करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये आपको बुला नहीं पाते हैं और ये हील करने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो मैन होल्डिंग अ कॉइन, हो सकता है पर्सन जो है होल्ड करके रखें इस कॉइन को, मीन्स आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और ऐसे हैप्पी फैमिली भी यहाँ पर आया है। तो ये आपके साथ अपनी एक फैमिली देखते हैं, एक नई शुरुआत देखते हैं, चाहते हैं, ये सपने देखते हैं कि आपके साथ फैमिली हो, आपके किड्स हो और आप लोग साथ साथ रहे, तो ये सब कुछ बैलेंस्ड में चाहते हैं और अभी कुछ सिचुएशन है इनके लाइफ में जिससे कि वो हील कर रहे हैं। और देखते हैं और क्या चाहते हैं जिन्होंने ग्रुप वन चूज किया उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स है। एक्शन आया है, तो हो सकता है ये पर्सन इन फ्यूचर कोई एक्शन ले आपकी तरफ, आपके पास आए, आपसे एक्शन कुछ बात करे आपसे। यहाँ पर एनवी कार्ड भी आया है, हो सकता है इस रिलेशनशिप के खिलाफ काफ़ी लोग हों और जिसकी वजह से आप लोग के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है।
गार्डन एंड द गेट, तो इनके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पर कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। यहाँ पर पूरा गार्डन है, खुला हुआ गार्डन है, पर ये देख रहे हैं, उस गार्डन को देख रहे हैं, वहाँ जा नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक गेट है। तो ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ अभी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कि ये जो पर्सन है अभी वैसा एक्शन नहीं ले पा रहे जैसे वो चाहते हैं। क्योंकि देखिए हमें एक्शन भी रिवर्स्ड आया था, ये हीलिंग कार्ड भी हमें रिवर्स्ड ही आया था, पर मैंने इसे जो है अपराइट करके आपको बताया, क्योंकि दोनों ही केसेस में हीलिंग की ही एनर्जी है। मीन्स ये पर्सन अभी अपनों का हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, द थिंकिंग वुमेन, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये पर्सन सोचते हैं। और देखते हैं तो क्या आपके पर्सन आपकी फोटोज़ देखकर किस करते हैं। तो मुझे यहाँ है आंसर, यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाते हैं और आपकी फोटोज़ देख के आपको किस भी करते हैं। और देखते हैं और क्या फील करते हैं आपके पर्सन। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू, तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि मैं उन्हें रिग्रेट है कि मैंने ये रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप भी खो दिया। लेट बी फ्रेंड्स अगेन, लेट फॉरगेट द पास्ट, लेट स्टार्ट अगेन। तो उनके दिल में ये भी चल रहा है कि चलो सब कुछ भुला देते हैं, दोबारा फ्रेंड बन जाते हैं। आई एम लाइक दिस ओनली मूडी, तो आपके पर्सन थोड़ा मूडी भी है और अचानक से इन्होंने कुछ ऐसा रिलेशनशिप में ऐसा कुछ आपको बोल दिया या फिर अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताया जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आई। यू आर माई फर्स्ट लव, तो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप उनके पहला प्यार हो। और है यहाँ पे एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, तो हर गाना उन्हें आपके बारे में याद दिलाता है। वो ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं और उनका जो प्यार है वो आपके लिए कभी कम नहीं होता है। और आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टेड है, ब्यूटी से, आपके पर्सनैलिटी से, आपके गुड क्वालिटीज़ से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने द हाउस चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप टू चूज़ किया है, द राइडर नंबर वन। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपकी आपको मिस करते हैं और आपके फोटोज़ देख कर क्या वो किस करते हैं आपको जब आपके फोटोज देखते हैं। जिन्होंने ग्रुप वन चूज किया है, क्या वो जिस पर सॉरी ग्रुप टू चूज किया है, द राइडर, क्या वो अपने वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो पर्सन ने याद करते हैं, मिस करते हैं, और फोटो को किस करते हैं, ये भी देखेंगे। राइटर राइटर चूज किया है उनके पर्सन। ठीक है, पहला कार्ड क्या है, फाइव ऑफ क्लब्स, सेकंड आया है सेवन ऑफ डायमंड, टेन ऑफ स्पेड, और है यहाँ फाइव ऑफ स्पेड, थ्री ऑफ क्लब्स। यहाँ मुझे दिख रहा है कि पहले यहाँ एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, और जेमिनी लिब्रा एक्यूरस है। तो जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज़ किया है, आपके पर्सन जो है, हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो गया है, सेपरेशन हो गया है, और ये या तो फाइनेंसिस की वजह से एंड हुआ है या फिर सोसाइटी की वजह से, या फिर ये जो पर्सन हैं इनके फैमिली नहीं मान रही होगी, रिलीजियस प्रॉब्लम्स थे आप लोगों के बीच में, स्टेटस इश्यूज थे जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर फाइव ऑफ क्लब्स है, तो पास्ट में ऐसा लग रहा है कुछ एक्शन लेना था पर कुछ
ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेटस के बारे में सोचने लगे और आप दोनों के बीच में यहाँ सेपरेशन हो गया। बेसिकली स्टेटस और कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज हैं जिसकी वजह से सेपरेशन हो गया और रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो गया या एंड हो गया ऐसा दिख रहा है। और कुछ भी इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिल्कुल रुक गया है। तो हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज फाइव ऑफ क्लब्स रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज फाइव ऑफ क्लब्स रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज फाइव ऑफ क्लब्स रिप्रेजेंटिंग हियर। ओल्ड वुमेन, व्हाट इज सेवन ऑफ डायमंड रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज सेवन ऑफ डायमंड रिप्रेजेंटिंग हियर। सर्वेंट, what is 10 of speed representing here, what is 10 of speed, what is 5 of speed, what is 3 of clubs, what is 3 of clubs। ठीक है, तो हमें फाइव ऑफ क्लब्स को कवर करता हुआ आया है ओल्ड वुमेन, सेवन ऑफ डायमंड को आया है सर्वेंट, टेन ऑफ स्पेड को वेटिंग, और है फाइव ऑफ स्पेड फ्रेंड, और है यहाँ पर थ्री ऑफ क्लब्स को कवर करता हुआ डेथ। तो यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने हो सकता है किसी आप इन्होंने हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको चीट किया हो, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से आपको इस पर्सन ने हर्ट किया है। और यहाँ इस पर्सन ने जो है, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने इस पर्सन को भड़काया हो, या फिर आप उस फ्रेंड की वजह से आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो गई हो और आप दोनों के बीच में बिल्कुल सेपरेशन की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पर टेन ऑफ स्पेड को कवर करता हुआ वेटिंग कार्ड आया है। तो वेटिंग कार्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी भी आपके जो आप इस रिलेशनशिप में वेट कर रहे हो कि सिचुएशन सारी ठीक हो जाए, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। तो यहाँ रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, सब कुछ रुक गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हो सकता है इनके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो और उसने ऐसा कोई एक्शन लिया हो जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आई हो। देखिए यहाँ पर ये सर्वेंट कार्ड है और सेवन ऑफ डायमंड है, तो ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है, इस ओल्ड वुमेन ने, या फिर इनके लाइफ में जो भी कोई बुजुर्ग है या जो भी कोई पर्सन है जिन्होंने कोई एक्शन लिया है जिससे आप लोग के बीच में दूरी आ गई है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है। तो क्योंकि ये पर्सन जो है, इस पर्सन के पेरेंट्स जो है, वो हो सकता है कि समाज के बहुत ज़्यादा नियमों को मानने वाले हैं, और समाज के जैसे होते हैं ना, इस समाज के सर्वेंट की तरह है। मीन्स जो जैसा समाज चाहेगा वैसे करेंगे, लव मैरिज नहीं करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे, ऐसे टाइप के अरेंज मैरिज कराएंगे, ऐसे टाइप के सिचुएशन है जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप यहाँ एंड हो गया है। फिर भी आप और आपके पर्सन जो है वो अभी भी वेट कर रहे हैं, और वेट कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है अभी आप लोग के सिचुएशन में, इस पर्सन इनके लाइफ में जो भी है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई भी ऐसे एल्डरली पर्सन या कोई भी मेंबर हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशन बिल्कुल एंड जैसा मुझे यहाँ दिख रहा है। पर आपके पर्सन यहाँ आपके लिए वेट करते हुए तो दिख रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है इनमें करेज की थोड़ी कमी है। ये ग्रुप चूज किया उनके पर्सन, टेन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कवर करता हुआ है चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ यहाँ पर है, टेन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड और चैरियट। तो चैरियट यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर कुछ डिलेज हैं और फ्रस्ट्रेशन मिला है, और कुछ भी आप लोग के बीच में अभी
फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, रुक गया है सब कुछ। और टेन ऑफ एंड्स भी क्योंकि हमें यहाँ रिवर्स्ड आया है, क्योंकि जो भी ये पर्सन प्लान करते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है और रुक जाता है सिचुएशन। और बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्लो भी है, अपने जो इन एक्शन को लेते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो रहता है इनका। ये बहुत सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि देखिए ये क्वीन ऑफ वैंड्स की यहाँ पर एनर्जी है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी भी आपके वो एडमायरर हैं, आपके पर्सनैलिटी के एडमायरर हैं और अभी भी आपको अपने एज फ्रेंड भी देखते हैं। पर ये पर्सन अभी आपको आपकी तरफ जो भी ऑफर है, जो भी ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग एनर्जी आई है, तो वेट आप दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हो सकता है आप ज़्यादा वेट कर रहे हो और ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये बहुत स्लो है। इनको एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम ये लेते हैं। साथ में यहाँ हमें आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स्ड। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड जो आया है ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है हो सकता है इनको अभी सिचुएशन में रिग्रेटफुल तो है ये पर्सन, इन्होंने जो भी आपको कहा है और जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में हुआ है उसकी वजह से आपके पर्सन रिग्रेट हैं, जो भी इन्होंने आपको हो सकता है कुछ कहा हो या फिर आप लोग की लड़ाई हुई हो और किसी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ आप लोग के बीच में प्रॉब्लम आई है। हो सकता है किसी फ्रेंड की वजह से आई हो या इनके फैमिली के किसी मेंबर की वजह से आई हो, या जो भी रीज़न है कुछ आप लोग के बीच में प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने आपको अचानक से आपको इस तरीके से छोड़ के ये पर्सन चले गए, रिलेशनशिप में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा और ये अचानक से कट कर दिया इन्होंने रिलेशनशिप को। और आप इस पर्सन का अभी भी ऐसा दिख रहा है कि वेट कर रहे हो। और भी हम देखते हैं कार्ड से तो और हमें क्लियर होगा, जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया उनके पर्सन फोटोज चेक कर किस करते हैं। पहला कार्ड जो हमें आया है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, सेकंड आया है द वर्ल्ड और थर्ड में आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमें फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल और स्ट्रेंथ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में करेज की ज़रूरत है, हो सकता है इस पर्सन में वो नहीं है और जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। ये पर्सन अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है और जिसकी वजह से इस पर्सन ने हो सकता है रिलेशनशिप से ये अभी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि इनमें वो करेज नहीं आ पा रहा कि वो सिचुएशन से कैसे डील करें। और देखते हैं जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स है वो क्या किसके। रेस्ट एंड रेजुविनेट, द थिंकिंग मैन, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो हम एक ही लेंगे। और इन्होंने ग्रुप टू चूज किया उनके पर्सन और क्या फीलिंग्स है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, एंजल ऑफ बैलेंस, द थिंकिंग मैन। तो ये कार्ड्स जो है ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, ज़्यादा सोचते हैं एक्शन कम लेते हैं ये पर्सन। और साथ में अभी सिचुएशन में क्योंकि ये इनमें हो सकता है करेज नहीं आ पा रहा है कि सिचुएशन से डील कर पाए और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े, तो ये सारी चीज़ें वो अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें एंजल ऑफ बैलेंस भी यहाँ रिवर्स्ड आया था। तो ये अभी सिचुएशन को उस तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इन पर स्ट्रेंथ आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा थिंकिंग पोजिशन में भी आपके पर्सन हैं। तो आपके लिए हम देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, जिन्होंने ग्रुप को चूज किया है उनके लिए आर्कएंजल माइकल का क्या गाइडेंस है, आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर ग्रुप टू।
टू के लिए आर्क एंजल माइकल की क्या गाइडेंस है ग्रुप टू के लिए? पहला कार्ड आया है इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। तो आर्क एंजल माइकल आपको बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है, क्योंकि ये पर्सन आपको सिर्फ वेट कराए जा रहे हैं, और इसलिए आपके लिए आर्क एंजल माइकल ये बोलना चाहते हैं आस्क आर्क एंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। तो आपको बोलना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से अभी इस सिचुएशन को लीव करने की कोशिश करिए, और अगर आप लीव नहीं कर पा रहे तो आप प्रे करिए कि आस्क आर्क एंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। तो एंजल से आप मदद मांगिए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और एंड ऑफ द डेक है एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो जो भी सच्चाई है उसे आप स्वीकार करिए और उसकी अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए। तो ये कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो है नो, क्योंकि ये जो पर्सन है इन्होंने वो जानबूझ के ऐसा आपके साथ किया, जानबूझ के आपके रिलेशनशिप में अचानक से चले गए, और इनके अंदर वो रिग्रेट ज़रूर है कि इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है, और आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, और इस पर्सन ने आपको सिर्फ ये हो सकता है किसी फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं और उससे आगे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, ऐसा भी है, क्योंकि इस पर्सन में थोड़ी करेज की कमी यहाँ दिख रही है। और यहाँ टेन ऑफ वैंड्स भी आया था, क्योंकि ये आगे कुछ कदम उठाना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स हमें रिवर्स्ड आया था, ये उस बोझ को नहीं उठा पा रहे हैं और आगे ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में हम हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया है उनके पर्सन। क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं होप यू विल अंडरस्टैंड मी, क्योंकि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपके तरफ नहीं आ रहे, अचानक से रिलेशनशिप एंड कर दिया। तो अब ये बोलना चाह रहे हैं कि होप यू विल अंडरस्टैंड मी, काश तुम मुझे, आशा करती हूँ या करता हूँ कि तुम मुझे समझ पाओगे। बोलना चाहते हैं कि वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, तो हम बिना बात किए भी एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। वाई आई डिंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। तो ये भी बोलना चाहते हैं कि पहले आपके प्यार को इन्होंने नहीं समझा, अब वो रिग्रेट करते हैं। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजिंग डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ। तो डिस्टेंस होने के बाद भी आपके पर्सन जो है वो आपको याद करते हैं। और टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी एंड टेक्स्ट मी। तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें बात करो, कॉल करो और टेक्स्ट करो। तो ये उनके दिल में ये सारी बातें चलती है, पर ये कोई रिलेशनशिप में ठोस कदम उठाना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये रीडिंग ये दिख रही है मुझे। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप टू चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।